हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाएंगे चावल के पराठे। आलू, गोभी, मूली, इन सभी के पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे। आज हम बनाएंगे चावल के पराठे। इनको हम रात के बचे हुए चावल से बना सकते हैं और सुबह ब्रेकफास्ट में खिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं चावल के पराठे बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर डो तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप आटा। ये नॉर्मल आटा है जो हम रोज रोटी बनाने के लिए यूज करते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, साथ में डालूंगी 1 टीस्पून ऑयल मोयन के लिए। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। ये आटा गूंद कर तैयार हो गया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ और इसको बनाना शुरू करते हैं। पैन को मैंने गैस पे रख दिया है और इसमें डाला है 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल गरम हो गया है। अब सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी जीरा। ये मैंने 1/4 टीस्पून जीरा लिया है। साथ में डालूंगी 1/4 टीस्पून ही सौंफ। इन दोनों को हम थोड़ा सा भुनेंगे। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो ही रखना है। अब इसमें मैं डाल दूंगी हरी मिर्ची। ये मैंने एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ली है। इसको भी थोड़ा सा चलाएंगे और अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक। नमक हमें स्वादानुसार डालना है, याद रखें। हमने चावल में भी पहले नमक डाला हुआ है और आटे में भी थोड़ा सा नमक है। साथ में डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची, ये हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें मैं डाल दूंगी ये बने हुए चावल। चावल के साथ मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। ये देखिए, सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें ऊपर से डालूंगी 1/4 टीस्पून गरम मसाला और साथ में डालूंगी 1/4 टीस्पून चाट मसाला। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। चावल की फिलिंग बनके तैयार हो गई है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको पूरी तरह से ठंडा होने दूंगी। ये चावल बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अब हम पराठे की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम डो देख लेते हैं। इसको हमें उसी तरह मसलना है जिस तरह नॉर्मली हम आटे को थोड़ा सा मसलते हैं। ये देखिए, डो पूरी तरह से सेट है। अब हम पराठे बना लेते हैं। इसके लिए मैं लूंगी छोटा सा एक पेड़ा, जितना हम पराठे के साइज का लेते हैं। प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। इस तरह से हम इसको बेलेंगे। ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा मोटा मोटा बेल लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी चावल की फिलिंग। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको डाल दिया है। अब हम इसको चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इसको मैंने पैक कर दिया है अच्छे से। अब हम इसके दोनों साइड पे प्लेथन लगाएंगे और इसको पराठे के जैसे थोड़ी मोटी थिकनेस का हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए, इसको मैंने बेल लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और इसको बना लेते हैं। तवे को मैंने गैस पे रख दिया है और तवा गरम हो गया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये पराठा जो हमने बनाया था। इसको अभी एक साइड से नीचे से सिकने देंगे, उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। ये नीचे से थोड़ा थोड़ा सिक गया है, अब हम इसको टर्न कर लेते हैं। ये देखिए, दूसरी साइड से भी इसी तरह सिकने देंगे। ये दूसरी साइड से भी थोड़ा थोड़ा सिक गया है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा घी। घी को इस तरह से चारों तरफ हमें लगाना है और अब हम इसको टर्न करेंगे।
इस तरह से दबाते हुए थोड़ा सा सेकेंगे और अब इस साइड पे भी हम इस पे घी लगा देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा पराठा सेक गया है। इसको टर्न कर लेते हैं हम। ये देखिए दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से सेक गया है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी और गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। ये देखिए ये पराठा बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी बना है। इसमें चावल की फिलिंग भी बहुत ही अच्छे से आई है। ये जो बचे हुए फिलिंग हमारी है इसको हम तब यूज करेंगे जब भी हमें पराठे गरम गरम सर्व करने होंगे। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।